Alright everybody, welcome back once again. So alright everybody, welcome back once again. और आज हम बात करने वाले हैं color grading के बारे में. So how can you go from this to this? तो ये मैं सिखाने वाला हूँ आज. मेरा स्टाइल क्या है, मैं क्या यूज़ करता हूँ. सो मैं सबसे पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक कोडेक यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है REC709, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे हमारा कलर ग्रेडिंग. सो ये वाली फुटेज है जिसको मैंने ऑलरेडी कलर ग्रेड किया है, और ये वाली फुटेज है जिसे हम कलर ग्रेड करने वाले हैं. लेट्स गो. तो सबसे पहले मैंने जो आपको कोडेक दिया था उसे आपने डाउनलोड कर लिया होगा. तो लेट्स गो टू हमारा जो कलर का पैनल है उसमें जा सकते हैं. अगर आपको नहीं दिख रहा है, वर्कस्पेस में जाके कलर में जा सकते हैं, तो आपका कलर पैनल खुल जाएगा. तो सबसे पहले बेसिक में नहीं जाना है, क्रिएटिव में जाना है. वहाँ से लुक आपको सिलेक्ट करना है, और वहाँ पर आपको सर्च करना है REC709. तो मेरे पास दो REC709 है, S-Log2 टू REC709. हम उसे यूज़ करेंगे. आप देख सकते हैं इंस्टेंटली ये बहुत अच्छे से कलर ग्रेड हो चुका है ऑलरेडी. बट नाउ लेट्स मेक सम ट्वीकिंग इन इट. आप देख सकते हैं मैं इसे बढ़ाता हूँ, इसे कम करता हूँ, इसकी इंटेंसिटी, तो क्या फ़र्क पड़ता है. सो ओरिजिनली हमारा जो फुटेज है वो ऐसा दिख रहा है, इसको बढ़ाने के बाद वैसा दिखेगा. सो लेट्स मेक इट 120. अब इसके बाद आते हैं हम हमारे बेसिक कलर में. बेसिक कलर में हमको कुछ नहीं करना है, वी विल गो टू एक्सपोजर सेटिंग्स. तो एक्सपोजर आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप उसे कम कर सकते हैं, मैं थोड़ा ही कम करूँगा. उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट आपको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज आप देख सकते हैं. आई इंक्रीज इट अ बिट. उसके बाद में हाइलाइट्स को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, शेडोज़ को थोड़ा लिफ्ट करेंगे, और वाइट्स को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, और ब्लैक्स डोंट टच द ब्लैक. उसके बाद में क्रिएटिव्स में आके फिर से हम वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ा देंगे, सो दैट हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा अच्छा दिखे. सैचुरेशन को भी हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेट्स मेक इट 110. इसको कर देते हैं 41. या ऑलरेडी दिस इज़ लुकिंग प्रिटी गुड. उसके बाद में हम आएंगे हाईलाइट टिंट और शेडो टिंट में. तो शेडो में लेट्स इंक्रीज ब्लू. मुझे ब्लू कलर थोड़ा साइबर पंकी लगता है, बहुत अच्छा दिखता है, थोड़ा मॉडर्न दिखता है. हाइलाइट्स में हम ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, व्हाट कलर डू आई वांट, येलो अगेन. ओके, यहाँ से आप टिंट को बैलेंस कर सकते हैं. नो, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी. ओके, सो आई विल गो विद द ब्लू वन, लेट्स मेक इट 30. उसके बाद में आते हैं कर्व पे. कर्व में बेसिक हमारा एस कर्व हमें बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं. लेट्स लिफ्ट अप आवर शेडोज एंड हमारे वाइट को थोड़ा कम कर देंगे. सो हमारा बेसिक एस कर्व बन चुका है. उसके बाद में आएंगे हम ह्यू एंड सैचुरेशन में. इसमें हम इंक्रीज करेंगे हमारे ब्लूज को, हमारे येलो को भी हम यूज इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, देन हम यूज करेंगे हमारे ह्यू वर्सेस ह्यू. हमारा जो स्किन है उसको, वो थोड़ा रेडिश हो चुका है, उसे हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, थोड़ा येलो की तरफ लेके जा सकते हैं. लूमा वर्सेस सैचुरेशन में हम करेंगे हाइलाइट्स और शेडोज को ड्रॉप, और हम सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करेंगे. उसके बाद में आते हैं कलर व्हील पे. इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं. HSL सेकेंडरी में आप क्या कर सकते हैं, आपका जो स्किन टोन है आप उससे बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं. उसका कलर अगर बहुत रेड हो गया होगा तो आप उसे सेट कर सकते हैं.
आप देख सकते हैं कि मैं अभी यहाँ पे सिर्फ स्किन टोन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑफ़ कोर्स अदर चीज़ें भी यहाँ सिलेक्ट हो जाएगी, बट दैट्स नॉट एन इशू। उसे मास्क भी कर सकते हैं, बट लीव इट। उसके बाद में हम डीनॉइज करेंगे, ब्लर थोड़ा इंक्रीज करेंगे सो दैट ब्लेंड हो जाए, इसे हार्श एकदम एजेस ना रहे। सो लेट्स मेक इट ब्लर। और अगर आपको लगता है कि आपके स्किन टोन में बहुत रेड कलर आ चुका है तो लेट्स गो अपोजिट टू रेड, आप उसमें ब्लू ऐड कर दें। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेट्स ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ब्लू। उसके बाद में यहाँ से आप सैचुरेशन शार्पन उसे कर सकते हैं, आई डोंट थिंक। उसके बाद में आप आ जाइए विनिएटिंग पर, आप विनिएट ऐड कर सकते हैं जिससे कि जो भी फोकस है वो पूरा सब्जेक्ट पर आ जाए। उसे आप रिफाइन भी कर सकते हैं, कुछ जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप उसे ऐड कर सकते हैं। लेट्स अगेन गो टू बेसिक करेक्शन। आई थिंक कि कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है, सो लेट्स डिक्रीज दैट अ बिट। हाइलाइट्स को थोड़ा डिक्रीज करेंगे, शेडोज़ को लिफ्ट कर सकते हैं, या कॉन्ट्रास्ट, आई थिंक कॉन्ट्रास्ट को भी कम कर सकते हैं। ऑल राइट, आई थिंक दैट्स इट। और अभी ये हो चुका है फ्रॉम दिस टू दिस। फुल स्क्रीन में देखेंगे तो फ्रॉम दिस टू दिस, और दिस इज लुकिंग प्रीटी गुड। सो आई गेस दैट्स इट। ये है मेरा सिंपल सा कलर ग्रेडिंग का ट्यूटोरियल। मुझे आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा, और मैं बहुत डिस्टर्ब भी हो चुका हूँ इसके वजह से। कहाँ गया तू, कम ऑन, कम हियर। सो आई थिंक दैट्स इट, दैट वाज द होल ट्यूटोरियल। मैं दिस इज़ वेरी शॉर्ट, बट दिस कोडेक इज़ वेरी पावरफुल। और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कैमरा में, अच्छे कैमरा में, तो उसमें कलर कोडेक, उसमें फॉर्मेट्स होते हैं, S-Log, HLG3, ऐसे फॉर्मेट होते हैं। तो आई एम शूटिंग इन HLG3, तो आप भी उसी में अगर कर रहे होगे तो आपका कलर ग्रेडिंग मेरे जैसा ही होगा मोस्टली। और इसके बाद में मैं सेटिंग्स भी आपको बता दूंगा कि मेरे कैमरे की सेटिंग्स क्या है HLG3 में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और मुझे बताएं कि अगर ये ट्यूटोरियल आपके काम में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, वो मुझे बहुत हेल्प करेगा। और आपके जैसे ही इंथुजियास्ट के लिए वो अच्छा रहेगा, उनके पास ये वीडियो जाएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और ऐसे ही ट्यूटोरियल के लिए स्टे ट्यून। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। मजे मजे कर।